क्लास तो भाई माता श्री ने मेरी कसूती क्लास लगा दी। बचपन की वह पिटाई याद आ गई। आगे बताऊंगी व्लॉग में ही सामने के कर दिया था। सुबह उठे उठ दिए, आज तो संदीप लेके आ गया था पुच्ची ने। 3 दिन तक पुच्ची तक कौन मिले थे और मैंने बेरा था पुच्ची आंदी है एक बार तो कसूता भी गंता रहेगा। भोंक भोंक की हमने कई देर तो धमका होगा की मैंने 1 लाख क्यूँ छोड़ के गए थे। आंदी है इसने वो करा, पहले तो ये पूरे घर में कसूती स्पीड में बाजा कर एक्साइटमेंट में। उसके बाद कई देर भोंकया है, मारती धमकाए है। मैंने संदीप पूछी इसका जी कौन लाग रहा था कि संदीप बोला ना जी बालकांग खेल लेता था। घड़ी का सेल कई दिन तक खत्म पड़ा था। मम्मी आज स्पेशली लेके आई, बोली घर में ना बंद घड़ी नहीं रखा करे, पहले तो ये सेल बदल दो इस घड़ी का। ना दो की रेडी हो की चाल पड़े क्लिनिक खातर। मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा था 2 दिन, कड़े कड़े बारिश हुई है इन 2 दिनों में। कमेंट में जरूर बताइयो हमारे कैथल में तो अच्छी बारिश थी। क्लिनिक पे जाके पहले अपने पेशेंट देखे, उसके बाद मैं चली गई नीचे क्योंकि स्किन वाले पेशेंट घने आ रहे थे यार। सबसे पहले आज मैंने करा एक हाइड्रा फेशियल, उसके बाद काफी सारी केमिकल पीलिंग की अपॉइंटमेंट थी और फिर थी माइक्रो नीडलिंग की, जिसने आप कोलेजन इंडक्शन थेरेपी भी बोला है। कोलेजन इंडक्शन थेरेपी के बहुत सारे फायदे हैं, अगर आपका फेस पे छाइयां हैं या फिर आपका फेस पे एक्ने के निशान और खड्डे रह गए। इतनी देर तक गरोंडा था, हमारे एक पेशेंट आ जाए और इनका काम है ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का। मैंने पिछली बार इनको ऑर्डर दिया था कि भाई मेरे तेल ले आइयो 3 डाल के। इनके पास नारियल तेल, सरसों का तेल और मूंगफली तेल अवेलेबल है और पूरा प्योर ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। कोई भी इम्प्योरिटी या मिलावट नहीं है इस तेल में। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं, मैं तो इसमें कॉफी में डाल के पिया करूँ, सब्जी भी कोकोनट ऑयल में बनाया करा, रिफाइंड तो बहुत बेटर है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तेल अगर आप यूज करना चाहो तो मैं इनका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगी, उड़ा जाके आप अपना ऑर्डर दे सको हो। साथ में ये लेके आए थे हमारे खातर यो स्वादिष्ट घेवर जो कि घना एंडी लगा खान में। इसके बाद भाई संदीप ने कुछ कैश दिया, बोला जी यो मेरे आप गूगल पे कर दो, मैं आपने कैश दे दूंगा। और यो कैश गिनन में मारे पे 3वां पे गलती हो रही थी, 3वां का न्यारा न्यारा आवे था। मन्ने गिन की देखा, मेरे न्यारे आए, मोहित के न्यारे आए, संदीप के न्यारे आए, 2-2 बार गिनना पड़ा जब जाके ये ठीक आए। इसका मतलब यो है कि भाई नोट गिनन में हम इतने पक्के नहीं हुए, हाँ कमजोर रह रहे हैं इस चीज में। फाइनली 3-4 बार सारे ने गिने हैं, जब जाके यो हमारे पे एक बात मिल पाई कि भाई ये इतने नोट हैं। छुट्टी का टाइम हो गया था, अपना सारा सौदा लेके चाल पड़े क्लिनिक ऑफ करके। बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही थी और मेरी स्कूटी की सीट भी आली पड़ी थी। मोहित ने बोला मैं तो गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मैं गाड़ी में जाऊंगा, तू आज ये स्कूटी लेके अपनी। सीधे पहले आनंद के घर नहीं चले जाऊ, माता श्री ते फेटन खातर और घेवर भी टेस्ट करा देंगे। मम्मी बोली इतना स्वाद घेवर कड़े ते लिया है, मका बस गरोंडा तो आया है यो घेवर स्पेशल। शाम का टाइम हो लिया था और कुछ स्क्रिप्ट सोच रखी थी रील खातर, मम्मी आ रही थी तो क्यों ना फायदा उठाया जा। और भाई एक तो यह मारपिटाई वाली रील थी, इसमें मैंने 10-15 थप्पड़ खाए आज मम्मी के। बाकी एक बात है भाई, ये अपनी माँ पीटन में कसूती एक्सपर्ट होया कर दी। बचपन में ऊपर ली एक लेयर खाल की तार दी थी मार मार की। अरे भैया बात सुन के मम्मी ने बीच में न्यू कही है, ये तो तम थे ओट के, आजकल के बालका का न्यू मार के दिखाओ गोली फांसी कर जाएंगे। ले भाई मारा गैस हो रहा था कई दिन तक खराब, मम्मी ने बोली इसने ठीक करा के लियाओ इब्बे। पहले वो सारा गैस खोल खाल की पैक कर दिया, इसकी पाइप काट दी और उसके बाद पुच्ची ने देखा कि मोहित कितने जान लाग रहा है, बाज के अपनी दही खान गया कि मैं भी चालूंगा गल्ला। लेकिन मोहित तो जाओ था स्कूटी पे, इसलिए पुच्ची थी ले जाना पॉसिबल नहीं था। बारिश आके रुक चुकी थी और बाहर का माहौल और भी घना ठंडा और प्यारा हो रहा था। आज की सुहानी शाम में मोहित स्कूटी लेके लिकट जाए गैस ठीक करवा। बाकी वो बेचारा गैस बहुत पुराना हो गया, इसने हमारा बहुत साथ दिया है। मेरा जी तो करा था कि इसने बदल दिया नया ले आवा, लेकिन मम्मी ने बोली करा लो ठीक, काम चल जाएगा इससे। मैं जाके दुकान वाले भाई थी बता दी कि भाई इसमें यह दिक्कत आ रही है, भाई ने खोल खाल की वो सारा साफ कर दिया, कोई खासी बड़ी दिक्कत थी नहीं, 80 रुपया में यो गैस ठीक हो गया। भाई ने यो सारा खोल खाल की देख लिया था, बोला जी बस इसने यो साफे करना था और कोई दिक्कत कौन थी, इसने दोबारा पैक कर दिया। आखिरी में एक लोहे की ब्रशी थी वह ऊपर का मार दी कि मैं जमे उड़ाडंगा था, वो भी उतर गया। और फिर मोहित यो चला की दिखा दिया कि देख लो जमा परफेक्ट चालन लाग रहे हैं दोनों। घर ने ले आवे और मम्मी आंदी है पहली चला की देखा है, मम्मी की बेचैनी आखिरकार खत्म हो जाए क्योंकि 2-3 दिन तक लगातार यह बात कहने लाग रही थी कि इसने ठीक कराओ जल्दी सी। इतनी देर में हमारा बाबा भी आ जाए अपनी वॉक खत्म करके, साथ में नींबू लेके आ रहा था, बोला नींबू पानी पीवांगे, डिहाइड्रेशन टाइप फील हो रहा है। मैंने पुच्ची और यो कई दिन में मिले हैं तो खासा प्यार जाग गया इनका। मम्मी ने शुरू कर दिया नींबू पानी बनाना, लेकिन भाई नींबू निचोड़न वाला तो हमारा था को नहीं। मम्मी ने बोली मेरे हाथों तक ये नींबू निचड़े हैं कि इनमें कि मैं तो रस पहली है कम है, फिर भी आखिरकार 4-5 नींबू मम्मी ने निचोड़े दिए और 1 नंबर का नींबू पानी बन के हमारा तैयार हो गया। सब्जी खत्म हो रही थी, मम्मी ने बोली चलो सब्जियां की शॉपिंग करके लेवेंगे, हम पहुंच जाओ हमारे भैया के पास सेक्टर 20 में, इनकी सब्जी वही 1 नंबर की होगा, अगर छाटन की भी जरूरत कौन पड़ती।
की इतनी बढ़िया सब्जी दिया करें ये भैया ना। आज मम्मी पहली बार देखी, बोले आंटी जी तो आज पहली बार मिले हाँ, पहले तो कदे को नहीं आई। मखा भैया सब्जी लेने को नहीं आई, न्यू तो आंदी रहा करे मम्मी कदे कदे हमारे पास। जो भी सब्जी लेनी थी सारी पैक करवा दी। उसके बाद भैया ने बताया कि पालक भी आ रही है, वैसे सीजनल तो है को नहीं, लेकिन हमारे बाबा ने पालक खाने का बहुत ज्यादा शौक है। पेमेंट करने के बाद माता श्री का याद आवे कि आलू भी खत्म हो रहे हैं, एक दिन आलू भी बना लेंगे, तो दोबारा चाल पड़ी आलू पैक करा लिए और उसके बाद पेमेंट करके हम घर ना आ जाओ। वहां आंधी हमारा बाबा बोला कि आम रस पीवांगे आप, आज तीन चार आम धरे थे मम्मी ने, मैं छिले तो भाई इनमें एक आम तो खराब निकला है, ये जो चौसा आम आवे ये जल्दी खराब हो जाए, बाकी के आम सारे काट पीट के तैयार कर लिए और मिक्सी में डाल दिए, ऊपर से गेर दी इसमें खांड क्योंकि चीनी का उपयोग हम बहुत कम करा करा। उसके बाद दूध डाल लिया और मिक्सी में डाल के थोड़ी सी बर्फ गेर दी और घुमा दिया सारा सौदा। एक बार मिक्स होने के बाद ऊपर से दूध डाल लिया और इसका रंग देख के जमा जी ललचा गया, भाई बे पी लिया इसने। दोबारा एक बार मिक्सी घुमाई और हमारा जो आम रस था वो बनके हो गया है रेडी। सबसे पहले मोहित नैन जी थी दे दिया और उसके बाद मन्ने अपना ग्लास में ले लिया। मन्ने पीछे मुड़की देखा तो बाबा तो अपना जार में पीने लग रहा है, मखा गिलास में गाल ले इसने, बोला मेरा कौन सर है गिलास में गाल लेते हैं। अपना मैंगो शेक पीने के बाद माता श्री थी टाटा बाय बाय गुड नाइट कर दी, बाबा थी करी टाटा बाय बाय और निकल लिए घर खातर। हमारे प्यारे प्यारे डोगी हमारा इंतजार कर दे पाओगे यह बात तो हमने बेराए थी, इसलिए उन खातर भोजन ले लिया और एक बड़ी सी गेड़ी मार के आए कैथल की। आंधी पहले इनती भोजन कराया और उसके बाद मैं आ गई ऊपर। ऊपर आके मैंने देखा कि दिन में मेरा मिंत्रा था एक ऑर्डर आया था, मैंने एक साड़ी ऑर्डर कर रखी थी, तो जल्दी से खोल के देखा पूरी एक्साइटमेंट के साथ, बड़ी उम्मीद थी मैंने इस साड़ी तक, यह बहुत प्यारी सी आने वाली है। खोल के देखा तो वास्तव में साड़ी बहुत सुथरी आई थी, बिल्कुल गोल्डन कलर की साड़ी थी या बड़ी प्यारी थी। थोड़ा सा कपड़ा इसका खड़ा खड़ा था तो मैं सोचूंगी रखूं या ना रखूं। तो जी जयराम जी की आज का व्लॉग खत्म करा, व्लॉग बढ़िया लगा हो तो शेयर जरूर कर दियो।